hello everyone welcome back to my channel all sorted and in this video I'm going to talk about my favorite movie Lux which I re in the theater uh, Laksh Lux has completed 20 years no, then. okay, okay. Years, okay, and the impact this movie has had on me, uh, right from the days I was preparing for IIT JEE, and now I've watched it again after my MBA, after TIS and the same feeling that I've got, and I want to translate it to you through this video. I had also made a video previously on Lux that has crossed more than half a million of views. Uh, many people enjoyed that video, and why it is very relevant for student life, for you, for anyone who's trying to be successful. भाई जिंदगी में क्या करना है कौन सा करियर पा चूज करना है इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु डजेंट नो वॉट ही वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ ही इज लॉस्ट कि क्या करना है लाइफ में मैं ऐसा क्यों हूँ द इज द सॉन्ग सो Uh, वो बॉय हु इज लॉस्ट कि मेरे को पता नहीं जिंदगी में क्या करना है लोगों को पता है एंड हिज जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट करण शेरगिल द जर्नी ऑफ नॉट नोइंग टू नोइंग द जर्नी ऑफ यू नो जस्ट वॉन्ड्रिंग अराउंड टू बींग फोकस्ड इन लाइफ सो आई एम गोइंग टू शेयर सम पर्टिनेंट लेसन्स फ्रॉम द मूवी लक्ष टू यू लक्ष्य में होता क्या है कि द इज दिस बॉय कॉल्ड करण करण शेरगिल करण शेरगिल एक बड़े बाप की औलाद है ठीक है उसको जिंदगी में काफ़ी ऐशो आराम मिले हैं वो बारह बजे उठता है आ, कॉलेज कर रहा है आ, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है विच इज़ प्लेड बाय प्रीति जेंटा सो करन इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पॉइल्ट ब्रैट नॉट इन देंस कि उसको बुरी आदत है ये वो बट ही डजेंट नो एनी थिंग ही डजेंट केयर उसको सब सुबह उठता है तो जूस आके उसको सीधा टेबल पे मिलता है सुबह उठ के वो आराम से 12 बजे उठता है जो मन करता है वो करता है वो ठीक है उसका एक भाई भी है बड़ा हु इज़ वेरी focused इन लाइफ हु इज़ अ ग्रेट अचीवर तो उसके माँ बाप भी उसको ताने मारते रहते यारू ऐसा क्यों है ये वो सो so, करण की लाइफ में ऐस दे से लक्ष्य नहीं है फोकस नहीं है एंड एज यू नो पीपल से कि विदाउट एनी फोकस विदाउट एनी पर्पज़ इन लाइफ यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड एवरीवेयर टाइम पास कब करते हैं लोग जब उनका कोई पर्पज़ नहीं होता कि मुझे ये करना है ये करना है सो इमेजिन अगर आपका कोई एग्जाम आ रहा है कैट का एग्जाम आ रहा है उसके दो तीन महीने पहले आप कैसे शिद्दत से फोकस करते हो अपने आप मुझे टेस्ट लिखना है मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना है इतना घंटा ये करना है वो एक फोकस रहता है बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गोल फॉर अ पर्पज बट इफ यू डोंट हैव एनी पर्पज और गोल इन लाइफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड सो दिस बॉय करण uh, शेरगिल डजेंट नो एनी थिंग अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ उसकी जो गर्ल uh, फ्रेंड होती है प्रीति जिंटा शी इज़ वेरी वेरी फोकस्ड शी नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू शी वॉन्ट्स टू बिकम अ जर्नलिस्ट करण ऑल्सो आस्क कर यार मुझे मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगता है बिकॉज आई डोंट नो एनी थिंग देन वन वन फाइन डे ही इज जस्ट डिस्कसिंग विद हिस्स फ्रेंड्स कि यार uh, क्या करना है किसी को इंजीनियर बनना है किसी को एम बी ए करना है किसी को ये करना है सो वन ऑफ हिस्स फ्रेंड्स परवेश तो परवेश बोलता है कि यार मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है ठीक है आई थिंक माई कंट्री नीड्स मी यार वो ऐसे पैशन से बोलता है सो so, करन इज़ लाइक like, जो अपना ऋतिक है वो बोलता है आर्मी ज्वाइन करेगा सोच ले आ, आर्मी की लाइफ इतनी आसान नहीं है फिर वो थोड़ा सा उसमें आ, अट्रैक्ट हो जाता है कि यार आर्मी एंड वन फाइन डे ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग ही वॉचेस अ रैंडम फिल्म जिसमें ये दुआ आधारी चल रही है आर्मी का कुछ सीन चल रहा है तो रैंडमली डिसाइड करता है अपना करण कि भाई मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगा मेरा दोस्त परवेश आर्मी ज्वाइन कर रहा है चल मैं भी आर्मी ज्वाइन करता हूँ मैं भी एग्जाम का फॉर्म भरता हूँ मैं अप्लाई कर देता हूँ तो करन अप्लाईज़ फॉर दैट एग्ज़ैम परवेश ऑन द अदर हैंड हैज़ ऑल्सो अप्लाइड कुछ दिनों बाद परवेश वापस दोस्त लोग बैठे हुए हैं ठीक है परवेश बोलता है यार मैं सोच रहा हूँ यार मैंने भर तो दिया फॉर्म आर्मी का पर मैं एग्ज़ाम एग्जाम नहीं दूंगा तो ये सुन के करण जो ऋतिक है जिसने फैसला लिया था डिसाइड किया था आर्मी में जाएगा कि उसका दोस्त जा रहा है उसका दोस्त अभी पलट गया है दोस्त बोल रहा है कि यार मैं एमबीए कर लूंगा कहीं बाहर से तो मुझे जॉब तो जल्दी उस एम के बाद ही मिल जाएगी तो मेरे डैड ने मुझे समझाया कि क्यों आर्मी वार्मी में जाना है एम कर ले सो करण को लगता है यहाँ पे यार ऐसे कैसे तू बोल सकता है यार तेरे वजह से तो मैंने अप्लाई किया था अब तू बोल रहा है मुझे नहीं एम करना है ठीक है ऐसे कैसे सो so, करण को थोड़ा धक्का लगता है क्योंकि उसने डिसाइड सोनली उस बेसिस पे किया था कि उसका फ्रेंड क्या कर रहा है उसका वो अंदर से डिसीजन नहीं था परवेश अपना निकल गया सीन से वो जाता है एम करने अभी ऋतिक पढ़ जाता है इसमें दुविधा में कि उसने फॉर्म तो भरा था उसके दोस्त की वजह से पर ऋतिक एग्जाम दे देता है एंड सम ऋतिक का एग्ज़ाम बहुत शानदार चले जाता है ही गेट सिलेक्टेड ठीक है ही गेट सिलेक्टेड एंड एकदम ताव ताव में जाके बोलता है अपने प्रीति झंडा को Uh, कि भाई रोमी रोमिला उसका नाम रहता है रोमी तो हमेशा कहती थी, थी ना मेरे ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं है अभी तो मेरा लाइफ क्लियर हो गया है मुझे आर्मी में ज्वाइन कर रहा हूँ ठीक है देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ मुझे एडमिशन uh, मिल गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं शादी वादी के बारे में बात करते हैं टू सेकेंड फेज़ आर्मी ऋतिक uh, का एंट्री होता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी में रिमेंबर ऋतिक ने एग्जाम भले ही क्लियर कर लिया है ठीक है बट उसने वो डिसीजन लिया था एक फ्लूक में कि सबसे पहले उसने फॉर्म इसलिए भरा था कि उसका दोस्त भर रहा है परवेश ठीक है परवेश तो बैकआउट कर गया इसका एग्जाम चलो सिलेक्ट हो गया और उसने वो डिसीजन लिया था एक सुबह उठ के ऐसी मूवी देखता है कि आर्मी के धर 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 ये चल रहा है बोलता है अरे यार ये तो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है मैं भी आर्मी ज्वाइन करता हूँ ये करने को मिलेगा तो ये दो फैक्टर्स के वजह से उसने डिसीजन लिया था तो जब वो आर्मी ज्वाइन इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन करता है देहरादून जाता है उसका एटीट्यूड रहता है भाई एकदम कैजुअल ठीक है सुबह लेट उठ रहा है आ, फोकस नहीं है वहाँ पे रोप वे में नीचे गिर जाता है ठीक से इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है उसको पनिशमेंट पे पनिशमेंट मिल रही है ठीक है उसको वो भगा रहे हैं साइकिल दे के राउंड मरा रहे हैं ठीक है, है? आ, उसके सारे सीनियर्स उससे नाखुश है कि डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया उसके ऊपर और चार दिन में भाई करण भाग जाता है लिटरली भगोड़े जैसा सुबह अपना बैक पैक करके सुबह सुबह निकल लेता है पतली गली से इंडियन मिलिट्री अकेडमी से बाय बाय ठीक है ही गोज बैक टू हिज होम वो अभी छोड़ के आया है इंडियन मिलिट्री अकेडमी छोड़ के नहीं भाग के आया है ठीक है क्योंकि उसको जम नहीं रहा था इतना रूट इतना डिसिप्लिन और ये वो उसको तो बस वो पिक्चर थी कि ऐसे, ऐसे ऐसे ये करने को मिलेगा पर वो बिल्कुल इनसिनसियर था उसका कुछ मन नहीं था उसका वो जोश नहीं दिख रहा था किसी को और वो पनिशमेंट में पनिशमेंट मिल रही थी उसको लगा यार भाई ये तो नहीं होगा अपने से निकल लो यहाँ से पतली गली नो कट टू सेकेंड फेज ही टॉक्स टू हिज फादर एंड हिज फादर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट उसके फादर उससे उसकी मदर से बात करते रहते हैं मैंने कहा था शालिनी कि अपना बेटा इज़ गुड फॉर नथिंग ठीक है ही सेज करण इज़ गुड फॉर नथिंग मुझे पता था कि ये चार दिन में छोड़ के यहाँ से चला जाएगा भाग जाएगा ठीक है शुरुआत में वो एक डिसीजन इसलिए भी लेता है क्योंकि उसके फादर जो है वो अपोज करते हैं कि आप मिलिट्री नहीं ज्वाइन करोगे तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन करोगे पर वो ताओ ता में कि नहीं मुझे अपनी फादर की बात नहीं सुननी है तो भाई मैं अकड़ में कुछ करूंगा रेबेल विदाउट अ कॉज कि मुझे अगेंस्ट करना है बस अपने फादर के तो वो भी एक उसका डिसीजन होता है सो so, तीन फैक्टर हो गए उसका दोस्त फॉर्म भर रहा है सेकेंड उसने बस एक टीवी पे सीन देख लिया तीसरे उसके फादर से झगड़ा हो गया तो फादर बोल रहे मिलिट्री में नहीं जाना है तो इसको वो तो जाएगा बिकॉज ऑफ सच ही कम्स बैक भाग के अभी उसके फादर वो चुपके से सुन रहा है उसकी मा, मामा से क्या बात कर रहे हैं कि मैंने कहा था शालनी कि ये चार दिन में छोड़ के चला जाएगा जब ये ऋतिक सुनता है करण जो करण नाम है उसका जो ऋतिक सुनता है ये कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिज फादर एंड मदर दैट सन इज अ फेलियर चार दिन में भाग के आ गया वहाँ से नहीं जमा इसको मैंने कहा था ये कुछ नहीं कर पाएगा तब लगती है उसमें आग तब उसको लगता है कि सलक क्या है ये मतलब फादर के नज़र में तो मैं और गिर गया हूँ पहले ही तो मैं गिरा हुआ था ही गुड फॉर नथिंग अभी तो पूरा उनको यकीन हो गया होगा कि मैं गुड फॉर नथिंग हूँ नाउ ही गोज टू मीट हिज गर्ल फ्रेंड थी कि वो वापस दिल्ली में आ गया है प्रीति जिंटा सो so, रोमिला विच इज़ रोमिला uh, प्रीति जिंटा से मिलने जाता है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीन प्रीति जिंटा बोलती है कि ओके नाइस हेयर स्टाइल तुम कितने दिन के लिए आए हो फिर सो so, uh, करण बोलता है मैं हमेशा के लिए आ गया वापस शी so, से क्या मतलब uh, मैं वापस ही आ गया एन प्रीति जिनटा से इसकी तुम छोड़ के आ गए तुमने ज़िंदगी में एक फ़ैसला अपनी मर्जी से किया और चार ही दिन में हार मान ली तुमने कहा था ये मेरी लाइफ का फैसला है मुझे जो करना है मैं करूँगा अपने फादर के अगेंस्ट गए ये फैसला किया तुमने हाँ भाग के आ गए वहां से जो आदमी अपनी इज्जत नहीं कर सकता अपने फैसले की इज्जत नहीं कर सकता वो मेरी क्या इज्जत करेगा वो मुझे क्या कमिटमेंट करेगा जो अपना एक कमिटमेंट नहीं कर सकता लाइफ के साथ चार दिन में भाग के आ गए शी से इसकी मुझे लगता है करण मैं तुमसे अभी कभी जिंदगी में नहीं मिलना चाहूंगी ब बाय गुड बाय सो रोमिला उसको डंप कर देती है she, ठीक है शी से इसकी शी डज एट वॉन्ट टू एवर सी हिम अगेन यहां पे उसका होता है हार्ट ब्रेक सो ही ब्रेक्स डाउन बिकॉज ऑफ टू रीजन्स उसके फादर फादर को उसने बोलते हुए सुन लिया इज़ गुड फॉर नथिंग सेकेंड उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई कि भाई हाउ कैन आई रिस्पेक्ट यू इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर डिसीजन इफ़ यू कैनॉट कमिट टू समिंग ये दो चीज़ों की वजह से उसका सेल्फ रिस्पेक्ट पूरा डाउन है खुद की नज़र में उसकी इज्जत कम हो गई है एंड नाउ फ्रॉम अ बॉय हु इज़ लॉस्ट ही नोज की आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ आई हैव टू प्रूव माई मेटल आई एम गोइंग बैक टू द इंडियन मिलिटी अकेडमी वॉट एवर पनिशमेंट दे गिव मी आई एम ओके टू सर्व दैट बट आई प्रूव माई सेल्फ दिस टाइम दिस टाइम ही गोज बैक अगेन टू द इंडियन मिलिट्री अकेडमी ठीक है वहाँ पर उसको बोलते हैं कि तुमने डिसिप्लिन तोड़ा है तुम भाग के चले गए तुमको दो महीने तीन महीने हम लोग निगरानी में सुपरविजन में रखेंगे तब आप कन्वर्ट होंगे उसके बाद तब आपकी प्ली कंसिडर की जाएगी करंस इज़ यस सर देन देर इज़ दिस सॉन्ग दैट कम्स लक्ष्य को हर हाल में पाना है हाँ यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है रोके तुझको आंधिया या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य को हर हाल में पाना है दिस टाइम हीज लक्ष्य दिस टाइम ही इज वेरी सिंसियर ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग ही इज सूपर एक्टिव प्रो एक्टिव इन ऑल द एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज जंपिंग रनिंग सब में ऑलमोस्ट वो अव्वल नंबर पे आता है ही कंप्लीट इट्स ट्रेनिंग ही उसको एकेडमी वापस लेती है ठीक है रेगुलसली उस पर मेहनत करता है पढ़ाई करता है उसके सीनियर्स देखते हैं हाउ कितने लगन से वो कर रहा है इस बार एंड येस देन ही बिकम्स लेफ्टिनेंट करण शेरगिल स्टार्स लग जाते हैं उसकी माँ उसकी कॉन्वोकेशन पे आती है जहाँ पे उनका सेरेमनी हो रहा होता है अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइल्ड स्टोन इन द मूवी वेयर ही फाइनली मेक्स इट ही इज़ नाउ लेफ्टिनेंट करण शेरगिल नॉट अ लॉस्ट बॉय करण ठीक है सो so, uh, उसके फादर अभी भी नहीं आए हैं थोड़ा सा नाराज़ है अभी भी बट करण हैज़ फाउंड हिज करण हेज फाइनली इन टू एन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेट करण शेरगिल ही कॉल्स अप हिज गर्ल फ्रेंड अगेन प्रीति जेंटा रोमिला ही से इसकी हाई हाई रोमिला रोमिला सेज़ करण सो दे आर स्पीकिंग टू ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग वाइल जब से उनका ब्रेकअप हुआ था जब रोमी उसको छोड़ के गई थी आई डोंट वॉन्ट टू सी यू अगेन देन दे आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अगैन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम रोमी से इसकी करण देन ही सेज़ नो लेफ्टेंट करन शेरगिल सो शी शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिम सो शी सेज़ कॉन्ग्रेचुलेशन्स कब आ रहे हो दिल्ली हम कब हमें वापस मिलना चाहिए करण से शब्द तुम्हें नहीं मिलना था तुमने कहा था मैं नहीं मिलना चाहती हूँ ये फैसला तुमने किया था अब हमें दोबारा मिलना चाहिए या कभी नहीं मिलना चाहिए ये फैसला मैं करूँगा

but yes, he is now lieutenant karan shergil and he says to the girl ki i'll decide whether we should meet again or no so karan has finally become from a boy he's become a man a man who is focused who knows what he wants to do in life what what his purpose is to serve in the army be a great army officer takes the oath he's now a lieutenant he's not a lost boy anymore so from a boy he has become a man man of responsibilities man who knows uh, his worth also okay सो so, इमेजिन करो आपकी लाइफ में भी जब आप ऐसे पड़ाव पे हो कि आपको कोई इज्जत नहीं कर रहा आपके फादर नहीं कर रहे आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले जा रही है यू हैव टू टेक एक्शन ऑन इट यू कैन ब्लेम द अदर पीपल और समस्टांस सम वे यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि यार आई नीड टू बी द विनर इन लाइफ एंड द पीपल विल गेट राइट पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू मी आई हैव टू बी आई हैव टू फाइंड माई पर्पज आई हैव टू डेडिकेट माई सेल्फ टू अ लार्जर गोल मुझे ये करना है मुझे अपनी औकात से बाहर निकलना है आपको ज़िंदगी आपकी औकात दिखाएगी आपके फादर बोलेंगे आप तो ये नहीं कर सकता दोस्त बोलेंगे यार तू क्या सोच रहा है इतना बड़ा डिसीजन तू कैसे जा पाएगा आई में कैसे कर पाएगा इस कॉलेज में कैसे करेगा ठीक है तेरी औकात कहाँ है सो यू हैव टू क्रॉस दैट बैरियर थ्रू योर एफर्ट्स अपनी औकात अपने को बढ़ानी है ऊपर

करण कॉल्स इज़ फादर अगेन कि पापा आपने मुझे ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं दिया ठीक है मेरे लिए आपने क्या कुछ नहीं किया सब सुख सुविधा सु, सब सब फैसिलिटी दी सब आपने दिया पर मैंने आपको सिर्फ दुखी दिया था देन इज फादर ब्रेक्स डाउन इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट बमन ईरानी प्लेज हिज फादर ही सेज की आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा मेरे सर्कल में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका बेटा या कोई भी भाई आर्मी में सर्व कर रहा हो या फ्रंट पे वॉर पे हो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा बेटा uh, मैदान जंग में है ठीक है द फादर इज नाउ प्राउड ऑफ हिज सन द सन हैज मेड इट इन लाइफ ऋतिक वो मिशन भी पार कर लेता है एंड फाइनली रोमिला जो कि प्रीति जेंटा एंड देन रोमिला एंड करण मीट अगेन एंड दे और दे हग इच अदर एंड दे आर अगेन टुगेदर सो करन फाइनली अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ हिस फादर करन गेट्स द गर्ल फ्रेंड गेट्स हिस्स गर्ल फ्रेंड द प्रीति जेंटा नाउ रिस्पेक्ट्स एम ही सेज टू करण की करन यू आर अ चेंज पर्सन यू आर अ चेंज मैन ही इज बिकम अ मैन फ्रॉम फ्रॉम अ लॉस्ट बॉय टू अ मैन सो लॉस्ट बॉय का डेफिनेशन क्या है जो डिस्ट्रैक्शन में है जो कुछ भी कर रहा है जिसके जिंदगी में एम ही नहीं है एम लेस है तो ऐसे लोग क्या करेंगे कुछ भी करेंगे ठीक है टाइम पास करेंगे ऐसे लोगों को कोई भी इज्जत नहीं करता है टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम दैट it's a journey it doesn't matter you can be in that journey but you'll have to move towards a journey where you find your purpose and uh, understand your responsibilities be dedicated to a, a purpose to a goal and people will start respecting you people uh, will start you know cherishing you everyone has been a current in life i have been current uh, and we still are current somewhere nobody has figured it out finally so the moral of the story the whole picture the whole uh, laksh movie is from a it's a journey of a lost boy and uh, how he becomes a focused man man with a purpose lieutenant karan shergil dushman ka dushman he finds his laksh so we all need to strive towards finding our laksh and just devoting ourselves fully to that find your laksh do you know analysis for that talk to people understand your strengths do internships if, if possible

Uh, पहले तो गलत डिसीजन थे उसके कि दोस्त जा रहा है टीवी में देख लिया कूल लग रहा है उसके लिए उसने ज्वाइन किया था बट लेटर वेन हिज फादर फील्स की इज़ गुड फॉर नथिंग ही इज़ नाउ जॉइनिंग मिलिट्री टू प्रूव हिमसेल्फ की ही कैन डू इट एंड प्रूव इट टू अदर्स ठीक है कभी कभी जस्ट दैट वन थिंग इज इनफ अगर आपको कोई बोल रहा है आपकी औकात नहीं है इस कॉलेज में जाने की वहाँ एडमिशन लेने की आपको उनको जवाब नहीं देना है आपको अपने एफर्ट से ख़ुद को प्रूव करना को अपने आप को पता चल जाएगा वॉट यू आर

so yes everything will fall in proper place everyone will start getting attracted to you but yes be focused understand try to find your goal and dedicate yourself to that i hope this video helps you um, uh, it has the movie is brilliant i love it my all-time favorite movie uh, lux bye-bye